हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑप्टिकल रेजोनेटर। इससे पहले की क्लासेस में हमने कुछ टॉपिक लेजर के देखे थे कि लेजर कैसे बनाना है, लेजर की प्रॉपर्टीज क्या है, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज में देखा था कि लेजर जो है वो हाईली इंटेंस यूनिडायरेक्शनल मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लेस डाइवर्स लाइट है। तो हम इस प्रॉपर्टीज को कैसे अचीव करें, जैसे हमने देखा था कि स्टिमुलेटेड इमिशन इज मोर इम्पॉर्टेंट टू फॉर्म अ लेजर, एंड उसके अलावा मेटल स्टेबल स्टेट हमारे लिए वो काफी जरूरी थी क्योंकि दैट इज एन इंटरमीडिएट स्टेट, बिकॉज ऑफ मेटास्टेबल स्टेट वी आर एबल टू अटेन अ पॉपुलेशन इन इमर्जेंट कंडीशन। सो हम कैसे लाइट को इंटेंस बनाए, कैसे, इसके लिए हमें जरूरी है कि उसको एम्पलीफाई करना है, एक डायरेक्शन में सारे फोटोज निकले, इसके लिए हम बनाते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आपने जो भी एक्टिव मटेरियल है जिससे आपको लेजर फॉर्मेशन करना है वो मटेरियल हमने लिया, और हम ये जानते हैं कि हर मटेरियल से लेजर लाइट नहीं बनती है, ठीक है। तो कुछ ही सिलेक्टेड मटेरियल होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, मेटास्टेबल स्टेट खास तौर पर, या पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन अचीव हो पाती है। तो जिस भी मटेरियल, जैसे कि रूबी मटेरियल या हीलियम नियॉन गैस या जो भी मटेरियल हमने लिया है वो हमारा एक्टिव मटेरियल कहलाएगा। उसको हमने रखा और यहाँ पर एक परफेक्टली पॉलिश्ड हमने मिरर लिया, ये है पार्शियली पॉलिश्ड मिरर। हम फॉर अ सिंपलिसिटी समझने के लिए कि ऑप्टिकल रेजोनेटर कैसे काम करता है, हमने लिया है एक सॉलिड मटेरियल जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट है रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट। अब इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं विद द पंपिंग। पंपिंग मींस लोअर एनर्जी स्टेट में जो एटम्स है उनको हायर एनर्जी स्टेट में देना, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमें एनर्जी कितनी देनी है। अगर हमारे पास 3 एनर्जी है तो 3 एनर्जी लेवल है तो E3-E1 इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे ताकि कि एटम फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट विल मूव टू द हायर एनर्जी स्टेट। सो जब हमने ऑप्टिकल पंपिंग करी तो कुछ फोटॉन्स पड़ेंगे इस पे एटम्स पे, एंड दे विल कुछ फोटॉन्स बिना एब्जॉर्ब करे भी जा सकते हैं, कुछ फोटॉन्स एटम्स ने एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है। अब जब फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे तो पहला आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन है, और हम ये जानते हैं कि हमें रेट ऑफ द स्पॉन्टेनियस इमिशन को कम करके रेट ऑफ द स्टिमुलेटेड इमिशन को बढ़ाना, सो दैट वी विल एबल टू गेट कोहेरेंट लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब फोटॉन्स डाले तो कुछ फोटॉन्स इमिट आउट होंगे, और जैसा हमने ये पढ़ा कि अगर आपने एक एटम पे फोटोन डाला है H2 स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए, तो वो दो फोटोन इमिट आउट करेगा। अब चांसेस है कि कुछ फोटॉन्स तो सिस्टम से बाहर जा सकते हैं, कुछ फोटोन की कोई ना कोई एटम उसको एब्जॉर्ब कर ले। अगर उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है तो हमारे जो साथ में बाहर से जो ऑप्टिकल पंपिंग है वो तो चल ही रही है, साथ में जो फोटोन रिलीज हुए एक्स्ट्रा वो हमारा सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, काफी सारे एटम्स जो होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे, और उनसे हर एक एटम से कम दो फोटोन निकल रहे होंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फोटॉन्स हो जाएगा। अब जैसा हमने ये बोला, ये पार्शियली पॉलिश्ड है और ये फुली पॉलिश्ड है। अगर फोटोन इस डायरेक्शन में जा रहा है दैट विल नॉट लीव आउट द सिस्टम, इट विल रिफ्लेक्ट बैक। और सिमिलरली यहाँ भी पार्शियली पॉलिश है तो कुछ फोटॉन्स तो इमिट आउट हो सकते हैं, कुछ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो चांसेस है यहाँ पर जो सेम डायरेक्शन में फोटोन है जिसे हम कह रहे हैं ऑप्टिकल फीडबैक, जैसे हमने पढ़ा है ऑसिलेटर में कि जो आउटपुट है वो वापस हम पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू इनपुट में देंगे एंड इट विल एम्पलीफाई द सिग्नल्स। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्ट बैक हुआ एंड इट विल एक्साइट द नियर बाय एटम व्हिच इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। ऐसे हमारे पास मल्टीपल नंबर हर एक एटम से दो फोटॉन्स निकलेंगे। इनिशियली अगर मैं कहूँ कि पहले 10 एटम एक्साइट हुए और हमारा सिस्टम 50 एटम का था, लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो 10 से हमें कितने मिले, 20 फोटॉन। धीरे धीरे करके एटम्स एक्साइट होते गए तो 50 अगर एटम पूरे के पूरे एक्साइट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, मल्टीपल 2 times अगर हम देख लें तो 100 फोटॉन्स एक साथ आएंगे, तो इंटेंसिटी भी बढ़ गई और इन सारे फोटॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, एक। तो ये क्या हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गए, मतलब वापस से फीडबैक की तरह हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, वापस सारे एटम्स को रिफ्लेक्ट एक्साइट करेंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होंगे एंड इट विल कम आउट इन दिस डायरेक्शन। तो सिमिलरली अब ये रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आए तो इट विल एम्पलीफाई अवर लाइट, ठीक है, मतलब जो एम्पलीफिकेशन है इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और सारे के सारे फोटॉन्स की जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में। अब जो यहाँ से जो एक जगह है जहां से आपने पार्शियली पॉलिश्ड है वहां से क्या हो जाएगा, लाइट बाहर निकलेंगे एंड वी विल एबल टू गेट द लेजर लाइट विच इज हाईली इंटेंस यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि सारे फोटॉन्स क्या हो रहे हैं, एक साथ बाहर आ रहे, तो इंटेंसिटी बढ़ गई, सबकी डायरेक्शन एक हो गई है, हाईली इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट सोर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।